हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाली भेल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी शेयर करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक चॉप्ड अनियन ले लिया है, एक चॉप्ड ही मैंने टमाटर ले लिया है, दो कटी हुई हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 3 कटोरी पफ्ड राइस डाल रही हूँ, जिसे हम मुरमुरा भी बोलते हैं। इसे हम प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक कटोरी में इसमें आलू भुजिया डाल रही हूँ। एक कटोरी ही मैं इसमें सेव डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी भुजिया डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। 3 चम्मच मैं इसमें रोस्टेड पीनट्स ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने। 3 चम्मच मैं इसमें इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। चटनी की रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 चम्मच मैं इसमें धनिया की चटनी डाल रही हूँ। थोड़े से इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम एक नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चटपटी भेल बनकर एकदम तैयार है। इसे हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नए डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।